पानी के सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिस ये मेरे साथी जो है वो कुछ सवाल करेंगे और उनका पूर्ण जवाब देंगे। तो आप बारी से आइए और सवाल कीजिए। तो आपकी क्या राय इस बार बोर्ड परीक्षा के बारे में? देखिए, बोर्ड परीक्षाएं इस बार काफ़ी हमारी पढ़ाई में काफ़ी बाधा आई है, जिस कारण हमारी बोर्ड परीक्षाओं से हम काफ़ी चिंतित है और पूरा प्रदेश चिंता में लगा हुआ है कि इस बार की परीक्षाएं होंगी या ना होगी। तो मुझे लगता है कि इस बार की बोर्ड परीक्षाओं का होना ना होना एक समान है। तो चंदन ने हमसे यह सवाल पूछा कि बोर्ड परीक्षाएँ होना ना होना क्या है, तो ये तो सरकार पर निर्भर करेगा कि होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो विद्यार्थियों का कहना है, जो हमारे साथियों का कहना है कि इस बार की परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक पूरी अपनी जो क्लासेज है ग्रहण नहीं की है, क्योंकि काफ़ी पिछड़े वर्ग से आए लोग हैं हमारी क्लास में, जिनमें स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है, किसी पे नेटवर्क की समस्या है। तो कई विद्यार्थी आए हैं इस बार हमारे जो स्कूल में है, तो हमारी नियमित पढ़ाई में काफ़ी बाधा आई है। जैसा कि हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री और अरविंद पांडे के शिक्षा मंत्री ये असमंजन की स्थिति में है कि इस बार का निर्णय क्या लिया जाए, इस बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का और आपका सभी मंत्री इस बारे में मंथना कर रहे हैं कि इस बार की परीक्षाएं होनी ना होनी, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी भी उसमें लगे हुए हैं। तो हमें लगता है उन्हें एक बार सभी स्कूलों का जायजा लेकर, विद्यार्थियों की राय लेकर ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से विद्यार्थियों का कहना है उस हिसाब से प्रमोट होना होने भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से नियमित शिक्षा में बाधा आई है उस हिसाब से हमें प्रमोट भी होना चाहिए। लेकिन वो फिर सरकार पर निर्भर करेगा कि वो किस हिसाब से फैसला लेते हैं, अभिभावक के तौर पर लेंगे या विद्यार्थियों के। मेरे हिसाब से विद्यार्थियों से एक बार विद्यार्थियों के स्तर से बात होनी चाहिए, तब भी ये फैसला लेना चाहिए आगे सरकार को। जैसा कि आपको आपने देखा होगा कि भारत देश में मतलब अलग अलग राज्यों में सब अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट अपने अपनी अलग अलग बात रख रहे हैं कि कई पेपर होंगे कई पेपर नहीं होंगे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि पेपर मतलब पूरे देश में एक ही कानून आना चाहिए कि पेपर हो या ना हो, कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग निर्णय लिए जा सके, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? देखिए, जैसा कि सभी राज्यों के अपने अपने बोर्ड होते हैं, तो उस हिसाब से सभी राज्यों को एक अपना अपना फैसला रखने चाहिए। लेकिन एक हिसाब से केंद्र सरकार को इस विषय में काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास वो पावर है कि वो पूरे देश को देश में भी प्रमोट कर सकते हैं, और अलग अलग राज्य को अगर कुछ दे दिया जाए, राज्यों के पास फैसला दे दिया जाए, तो राज्य के शिक्षा मंत्री को इतना सक्रिय होना चाहिए कि वो अपने राज्य के सभी विद्यार्थियों का जायजा लेकर उस विषय में कुछ चर्चा करे और उस विषय में कोई अहम फैसले ले। और जो पहले जैसे कि अमेरिका देश ने अपने पूरे संपूर्ण मतलब लॉकडाउन में अपना पूरा जीरो ईयर घोषित कर दिया था, कि आपको क्या लगता है भारत में भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि पूरा जीरो ईयर, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई का तो इस बार कुछ औचित्य रहा नहीं, क्योंकि सब ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास में आपको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। तो आपका इस विषय में क्या ख्याल है कि जीरो ईयर मतलब औचित्य कहाँ तक इसका सही है या नहीं है? देखिए, जीरो ईयर एक हिसाब से देखा जाए, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों ने अभी तक वो 12th क्लास की जो शिक्षा ली है वो अभी तक नहीं ली है, क्योंकि अब कोई आगे अगर किसी इंजीनियर क्षेत्र में जाएगा तो उसे 12th क्लास में से संबंधित कई कई विषयों में काफ़ी परेशानियां होगी, क्योंकि उसने शिक्षा को 12th की शिक्षा को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जीरो सेशन भी ठीक है, लेकिन अगर एक हिसाब से देश की परिस्थितियां देखी जाए, अमेरिका पूर्ण परित एकदम विकसित देश है और भारत अभी विकासशील की स्थिति में चला हुआ है, तो भारत में ये निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर विद्यार्थी का एक साल अगर खराब होगा तो आगे जाके बहुत परेशानियां होगी इस विषय से। जैसा कि हमारे साथ उपस्थित सभी मतलब सभी विद्यालय के अलग अलग विद्यालय के छात्र हैं, तो हमने सबकी राय पूछी तो इसमें सभी का एक ही मतलब निकला कि प्रमोट होने चाहिए बच्चे, इसीलिए हमने एक एक वीडियो बनाई है अपनी तरफ से राय देने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कमेंट।